करें, इसलिए इस प्रकार से एवं एवं भूतस्य, इस प्रकार के उस ईश्वर से, कैसा है वो ईश्वर, निर्विकार स्वरूपस्य, जिसमें कभी कोई विकार नहीं आता है, निर्विकार स्वरूप वाले ईश्वर से, निर्विकार स्वरूपस्य अजस्य, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अनादेह, जिसका कोई आदि नहीं है, नित्यस्य, नित्य परमात्मा की, सत्य सामर्थ्यस्य, जिसका सामर्थ्य हमेशा सत्य रहता है, ऐसे सत्य सामर्थ्य ईश्वरस्य, ईश्वर से, ईश्वरस्य, ईश्वर के, सकासाद, ऐसे उस ईश्वर के सामर्थ्य से, वेदानाम प्रादुर्भावात, वेदों का प्रादुर्भाव होने से, तस्य ज्ञाने सदैव वर्तमानत्वात्, ये वेद ज्ञान सदा ही उसके ज्ञान में वर्तमान रहने के कारण, जैसे पिछली सृष्टियों में वो ज्ञान उस ईश्वर के अंदर विद्यमान था, ऐसे प्रलय में भी वो विद्यमान रहता है, वैसे ही फिर बना देगा। जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाता है तो वो घड़ा कैसे बनाए, इसका ज्ञान पहले होना चाहिए ना उसके दिमाग में, कि मैं ऐसा डिजाइन बनाऊंगा, ऐसा उसका आकार बनाऊंगा, ये सारा ज्ञान बना हुआ एक ब्लूप्रिंट पहले उसके दिमाग में रहता है, तब वो बनाता है। अब एक घड़ा टूट गया तो भी वो ज्ञान है ना उसके दिमाग में, तो ऐसा दूसरा बना देगा, बिल्कुल हूबहू वैसा ही बना देगा। और तो ऐसे प्रलय अवस्था में भी इस संसार का और वेदों का सारा ज्ञान ईश्वर के अंदर रहता है नित्य, तो इसलिए हर सृष्टि में वो वैसा संसार बना देता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ज्ञाने सदैव वर्तमानत्वात्, जो ईश्वर से वेदों का जो प्रादुर्भाव हुआ, तस्य ज्ञाने सदैव वर्तमानत्वात्, उसके माने उस वेद के ज्ञान के सदैव ईश्वर में वर्तमान होने के कारण सत्यार्थवत्व नित्यत्वम च एतेषाम अस्ति इति, इसलिए वेदों का सत्यार्थवत्व भी है माने सत्यता भी है, ये सत्य हैं, और नित्यत्वम च इनकी नित्यता भी है, वेदों की सत्यता और नित्यता दोनों ही सिद्ध होती हैं, एतेषाम अस्ति इति सिद्धम, वेद नित्य भी हैं और वेद सत्य भी हैं। तो ये हमने पढ़ा वेदों का अपौरुषेयत्वम, पौरुषेय नहीं है वेद। तो फिर ये जो वेद में ऋषियों के नाम आते हैं तो उसका कैसे आप क्या समाधान देंगे? कुछ लोगों का कहना है कि जिन मंत्रों के ऊपर, जिन सूक्तों के ऊपर ऋषियों का नाम लिखा है, उन उन ऋषियों ने ही उस सूक्त की रचना की है। कोई आपसे भी ये प्रश्न करे तो क्या उत्तर देंगे आप? आपने पढ़ लिया ये तो अभी, कि क्या उत्तर होगा आपका? ज्ञान तो ईश्वरीय ही है, लेकिन उस ज्ञान का जो साक्षात्कार किए हैं वो वे ऋषि हुए, तो उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, तो अब कोई दूसरा कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर तो उनका नाम भी जुड़ जाएगा, तो एक मंत्र के ऊपर कितने नाम जोड़े? हजारों जुड़ सकते हैं, लाखों जुड़ सकते हैं। तो अब तक तो वेद के जो सूक्त हैं उन पे हजारों नाम जुड़ जाने चाहिए थे, क्योंकि हजारों ऋषि हुए, नाम तो एक ही है केवल। जैसे अग्नि सूक्त है तो उसका विश्वामित्र ऋषि है, तो क्या विश्वामित्र से पहले और बाद में किसी ने उसका साक्षात्कार नहीं किया? क्या किए होंगे, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं जुड़? तब शायद जो लिपिबद्ध किया गया था उस समय ऐसा नहीं हुए। हाँ जी, उनका नाम क्यों नहीं लिखा वहां पे? दीदी ऐसा भी हो सकता है, पहले शाखाएं थी तो अब शाखाएं विलुप्त हो गई, शाखाओं का जो बेस्ट प्रोफेसर रहा होगा उस टाइम पे उनका नाम लिखा होगा, और उसके बाद किया होगा उन्होंने उनका उसके बाद तो विलुप्त ही होंगी दीदी शाखाएं, अब तो नाम ही नहीं लिख सकते। नहीं, अब यदि किसी ने कर लिया मानो, तो फिर आप उसको चेंज कर देंगे लिपि वाले को कि जी एक ऋषि और ऐड हो गया इसमें, तो विश्वामित्र के साथ मानो कि अब प्रतीक जी ने उसका साक्षात्कार कर लिया,
तो प्रतीक जी का नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? तो दीदी वो लिखेगा कौन, कोई अधिकारी नहीं, अब किसी के पास बचा ही नहीं। खुद आप ही तो अधिकारी बन गए, जिसने साक्षात्कार किया वो तो अधिकारी है कम से कम। तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा, मेरे कोई मानेगा ही नहीं, मैं अपना नाम कैसे लिख सकता हूँ? तो फिर ये कैसे माने? शायद जिस टाइम पे लिखे गए होंगे एक पूरी कमेटी बनती होगी, 20-50 विद्वान लोग डिसाइड करते होंगे किसमें किसका नाम लिखना है, अब वो विलुप्त हो चुका होगा, ऐसा हो सकता है शायद। तो ये तो मतलब बहुत गड़बड़ हो गया आपने जो बताया है ये तो, कि जो कमेटी वाले 20-30 लोग हैं उन्होंने प्रूव कर दिया कि भैया ऋषि हैं, और वो यदि कह दें तो हम ऋषि हैं, और अब यदि आप बन जाओ और दूसरे लोग आपको माने ही नहीं तो आप ऋषि नहीं हैं। तो हमारा ऋषित्व तो दूसरे के अप्रूवल पे डिपेंड हो गया। मेरा मेरे पास तो है ही, पर वो नाम लिखने वाली बात है ना दीदी, आप कह रहे हो कि उसमें नाम लिखना। तो इसका उत्तर ये है कि वहां पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विश्वामित्र जो है ना वो एक चेतना की स्थिति का नाम है, जो वो मंत्र है और उस मंत्र का जो देवता है, देवता का मतलब विषय, उस विषय का जिस भी आत्मा को साक्षात्कार होगा वो आत्मा विश्वामित्र ही होगा। विश्वामित्र व्यक्ति का नाम नहीं है, एक उपाधि का नाम है। हाँ, तो उसमें हजारों विश्वामित्र हो सकते हैं, पहले हुए हों, आज भी हों, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन वो सब जिस जिसने उसका साक्षात्कार किया वो सब क्या है? विश्वामित्र। इसलिए वहां पर एक ही नाम आता है, ठीक है? जैसे पीएम एक उपाधि का नाम है, तो वहां कितने ही लोग आए होंगे, कितने ही आगे भी आएंगे, लेकिन वो सब क्या है? पीएम है, उस कार्य विशेष को करने वाले। तो ऐसे वेद तो नित्य हैं, लेकिन उन वेदों के मंत्रों का जिस जिस ऋषि ने साक्षात्कार किया उनके नाम वहां पर लिखे हुए हैं, और वो नाम भी वो व्यक्ति का नाम नहीं है, वो उस उपाधि का नाम है, उस चेतना की स्थिति का नाम है। अब अगला एक प्रश्न आता है कि ये देवता क्या है? जैसे मैंने अभी बोला ना कि वेद के देवता होते हैं, तो ये देवता कितने हैं? कोई एक ही देवता है या अनेक देवता हैं, या देवता किसको कहते हैं? तो इसको हम महर्षि दयानंद के शब्दों में सुनते हैं, 47 पृष्ठ के ऊपर आप निकाल लीजिए। यज्ञ देवता शब्देन किम गृह्यते, यज्ञ भी करते हैं तो देवताओं को बुलाते हैं और उनको आहुतियां देते हैं, अग्नये स्वाहा सोमाये स्वाहा से देते हैं ना देवों को। तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ में देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है? याश्च वेदोक्तः अत्र प्रमाणानि, जो वेद में जिनको देवता कहा है उसका हम यहाँ प्रमाण देते हैं। तो एक यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण दे रहे हैं। यजुर्वेद का मंत्र है, अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर देव देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। तो बहुत सारे देवता गिना दिए इन्होंने। तो ये मंत्र है वेद का। और तो कह रहे हैं अत्र कर्म कांडे देवता शब्देन वेद मंत्राणाम ग्रहणम, कह रहे हैं कर्म कांड में यहाँ देवता शब्द से किसका ग्रहण किया जाता है? वेद मंत्राणाम, वेद के मंत्रों का। वेद मंत्राणाम देवता शब्देन ग्रहणम, वेद के मंत्रों से ही देवता शब्द का ग्रहण किया जाता है। और गायत्री आदिनि छंदांसी, और छंद क्या है? गायत्री आदि, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप ये छंद है ना वेद के, 7 छंद हैं वेद के, ठीक है? तो गायत्री आदि छंदांसी ही अग्नि आदिनि देवताख्यानि एव गृह्यन्ते, अग्नि आदि देवता हैं, गायत्री आदि छंद हैं, तेषां कर्म कांड आदि विधे द्योतकत्वात्, क्योंकि कर्म कांड आदि की जो विधि है उससे इन छंदों का और इन देवताओं का द्योतन होता है, इससे पता चलता है मंत्रों से और कर्मकांड से। यस्मिन मंत्रे च अग्नि शब्दार्थ प्रतिपादनम वर्तते स एव मंत्रो अग्नि देवतो गृह्यते, जिस मंत्र में अग्नि शब्दार्थ प्रतिपादनम वर्तते, अग्नि शब्द और उसके अर्थ का प्रतिपादन किया जाता है, स एव मंत्रे
उस मंत्र में अग्नि देवतो गृह्यते, अग्नि देवता का ग्रहण होता है। एवं एव वातः सूर्य चंद्रमा वसवो रुद्र आदित्य मरुतो विश्वे देवा बृहस्पति इंद्रो वरुणश्च इति एतत् छंद युक्ता मंत्रा देवता शब्देन गृह्यन्ते। और इसी प्रकार अग्नि के समान ही वायु सूर्य चंद्रमा वसु रुद्र आदित्य मरुत विश्वे देवा बृहस्पति इंद्र वरुण इन सब देवताओं का छंद युक्ता और उस उन उन छंदों से युक्त इन मंत्रों का देवता शब्द से ग्रहण किया जाता है। तेषाम अपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात् परम आप्त ईश्वरेण कृतः संकेतत्वाच्च। और कह रहे हैं तेषाम अपि, उन मंत्रों का नाम भी देवता क्यों है? तेषाम अपि तत्तदर्थस्य द्योतकत्वात् क्योंकि वो भी उस अर्थ के द्योतक होते हैं, इसलिए द्योतकत्वात् परमात्मा परम आप्त ईश्वरेण कृत संकेतत्वात् जो परम आप्त पुरुष हैं, एक तो आप्त पुरुष हो गए ऋषि और उन ऋषियों से भी बड़ा आप्त कौन हो गया? ईश्वर। परम आप्त ईश्वरेण परम आप्त पुरुष ईश्वर के द्वारा कृत संकेतत्वात् ईश्वर के द्वारा ही वैसा संकेत किए जाने के कारण, ईश्वर ने ही वेद में ऐसा बताया है, इसके कारण ही उन मंत्रों का नाम उस देवता के साथ जुड़ा हुआ है। अत्राह यास्काचार्य निरुक्ते, इसी बात को निरुक्त में यास्काचार्य कह रहे हैं। निरुक्त क्या है? निरुक्त वेदार्थ को समझाने के लिए एक शास्त्र है। जैसे व्याकरण जो है वो शब्द प्रधान शास्त्र है और निरुक्त अर्थ प्रधान शास्त्र है, वहां अर्थ की प्रधानता है, यहाँ शब्द को प्रधानता दी जाती है। उसे शब्द को सिद्ध कैसे करना है, तो वहां पर हम कोई वार्तिक लाएंगे, कोई प्रकृति लाएंगे, कोई प्रत्यय लाएंगे, हमें उस शब्द को सिद्ध करना है। लेकिन और यहाँ निरुक्त में अर्थ को सिद्ध करना है, तो यहाँ अर्थ की प्रधानता होती है। तो उसके लिए पहले कुछ शब्दों को तो चयन करके, निघंटु नाम का ग्रंथ है, उसमें कुछ शब्दों का चयन कर दिया, जैसे 21 नाम पृथ्वी के बता दिए, गौ ग्मा ज्मा क्ष्मा क्षौणी क्षिति अवनि उर्वी, ऐसे 21 नाम बता दिए। अब ये नाम जिन जिन मंत्रों में आएंगे वेद में, तो वो सब पृथ्वी के नाम से उनका अर्थ किया जाएगा, लेकिन वो नाम मात्र के लिए संग्रह किया है। केवल 21 नाम ही पृथ्वी के हैं ऐसा नहीं है, इसके अतिरिक्त भी यदि कोई नाम वेद में आएगा तो उस अर्थ को देख करके हम कहेंगे कि ये नाम भी पृथ्वी का ही है, उसमें और ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से निरुक्त शास्त्र जो है वो अर्थ प्रधान है। तो अत्र आह यास्काचार्य निरुक्ते, यास्काचार्य निरुक्त में कहते हैं कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, कर्म की संपत्ति मंत्र है ऐसा वेदे, ऐसे वेद में कहा है। अथा तो दैवतम, उसके आगे उसका वर्णन कर रहे हैं भी कि अब दैवत कांड शुरू होता है। अथा तो दैवतम तद यानी नामानी प्राधान्य स्तुति स्तुति नाम देवता नाम यद दैवतम इत्याचक्षते सा एषा देवतो देवता उपपरीक्षा। तो कह रहे हैं अब दैवत कांड का हम प्रारंभ करते हैं, यानी नामानी प्राधान्य स्तुति नाम, जिन नामों का प्रधानता से जो स्तुति की गई है, देवता नाम देवताओं की, तद दैवतम, दैवत कांड किसको कहते हैं? जिन मंत्रों में दिव्य शक्तियों की या देवताओं की प्रधान रूप से स्तुति की गई है उसको दैवत कांड कहते हैं। ये तीन कांड निरुक्त के हैं तो उसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। सा एषा देवतोपरीक्षा, तो कह रहे हैं दैवत कांड में हम क्या करेंगे, देवता की परीक्षा करेंगे कि ये देवता क्या है। देवतोपरीक्षा यत काम ऋषि यस्याम देवतायाम अर्थापत्यम इच्छन स्तुतिम प्रयुंगते तद दैवत। देवता कौन होता है?
यत काम है ऋषि, जिस कामना को लेकर के ऋषि, यस्याम देवतायाम, जिस देवता की, अर्थ प्रतिपत्यम इच्छन, किसी अर्थ की प्रतिपत्ति को चाहता हुआ, किसी अर्थ को जानने का इच्छुक होकर के, स्तुतिम प्रयुंगते, स्तुति करता है, तद देवता, वो उसका देवता होता है। देवता होता है मंत्र का विषय, क्योंकि किसी कामना को लेके, किसी विषय को लेकर के हम किसी शक्ति विशेष के समक्ष प्रार्थना करते हैं, तो वो उसका देवता है। तो देवता का मतलब क्या हुआ? मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। स मंत्रो भवति तास त्रिविधा ऋचः, तो इसलिए वो ऋचाएं जो है वो ताह त्रिविधा, ऋचाएं तीन प्रकार की हैं। कौन कौन सी? परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक्यश्च और आध्यात्मिक। एक होती हैं परोक्षकृता। परोक्षकृता माने जो अर्थ हमारे सामने नहीं है अभी, अर्थात स्वर्ग आदि, तो उसको जब हम चाहते हैं तो इसलिए वेद की हम वेद के मंत्रों से स्तुति करते हैं। दूसरा प्रत्यक्षकृता। प्रत्यक्षकृता माने जो सामने सुख दिखाई देते हैं उनको देने वाली। और तीसरा आध्यात्मिक्यश्च। आध्यात्मिक माने आत्मा के जो गुण हैं या चेतन के जो गुण हैं उनकी प्राप्ति करवाने वाली। तो हर मंत्र का अर्थ भी तीन प्रकार का होता है, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। कर्मणाम अग्निहोत्रादि अश्वमेधांतानाम शिल्प विद्या साधनानाम च संपत्ति ही संपन्नता संयोगे भवति। कह रहे कर्मणाम, कर्म में अग्निहोत्रादि, जो अग्निहोत्रादि हैं वो अश्वमेधांतानाम, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत जो भी कर्म कांड है, और शिल्प विद्या साधनानाम च, और जो शिल्प विद्या के साधन जो यज्ञादि हैं, शिल्प विद्या साधना नाम च संपत्ति संपन्नता संयोगो भवति। संपत्ति संपन्नता का संयोगो भवति, संयोग होता है येन, जिसके द्वारा, स मंत्रो वेदे देवता शब्देन गृह्यते, वह मंत्र वेद में देवता के शब्द से ग्रहण किया जाता है। तथा च कर्मणाम संपत्ति मोक्षो भवति। कह रहे वैसे ही कर्मों की संपत्ति मोक्ष होती है, येन परमेश्वर प्राप्तिश्च, जिससे परमेश्वर की प्राप्ति होती है, सोपि मंत्रो मंत्रार्थश्च अंगीकार्य। तो कह रहे हैं वही मंत्र है और वही मंत्र के अर्थ को, मंत्र का जो विषय है उसको अंगीकार्य, स्वीकार किया जाता है। अथ इति अनंतरम दैवतम किम उच्यते। अथ का अर्थ है अनंतरम, अब इसके बाद, दैवतम, ये दैवत कांड है, तो कह रहे हैं इससे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है यत प्राधान्येन स्तुतिर यासाम देवतानाम क्रियते तद दैवतम इति विज्ञायते। कह रहे हैं इसका अभिप्राय ये है, यत प्राधान्येन, जहां प्रधान रूप से, यासाम देवतानाम स्तुति क्रियते, जिन देवों की स्तुति की जाती है, तद दैवतम इति विज्ञायते, उस कांड को दैवत कांड जानना चाहिए। यानी नामानि मंत्रोक्तानि येषाम अर्थानाम मंत्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वाणि देवतालिंगानि भवन्ति। यानी नामानि मंत्रोक्तानि, जो नाम मंत्रों में कहे हैं, येषाम अर्थानाम मंत्रेषु विद्यन्ते, और जिनका अर्थ इन मंत्रों में विद्यमान है, तानि सर्वाणि, उन सब को, देवता लिंगानि भवन्ति, उन सब ऋचाओं को, उन सब मंत्रों को देवता चिन्ह वाला कहना चाहिए। तद यथा, जैसे कि अग्नि दूतम पुरोधधे हव्यवाहम उपब्रवे देवां आसादयाद इह। तो यहाँ पर किस किस स्तुति की जा रही है? अग्नि की। अग्नि क्या है? दूतम, अग्नि दूत है। अत्र अग्नि शब्दो लिंगम अस्ति, तो इस मंत्र में अग्नि शब्द क्या है? चिन्ह है। अतः किम विज्ञेयम्, तो इससे क्या जानना चाहिए?
यत्र यत्र देवता उच्यते तत्र तत्र तद्लिंग मंत्रो ग्राह्य। जहां जहां यत्र यत्र देवता उच्यते, जहां जहां देवता के बारे में कहा जाता है, तत्र तत्र तल्लिंग मंत्र, तो उस देवता के चिन्ह वाला मंत्र ग्राह्य ग्रहण करना चाहिए। जहां कहीं मानो हमने कहा अग्नि देवता, तो उस अग्नि के चिन्ह वाले मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। जब हमने कहा वायु देवता, तो उस वायु के लिंग वाले चिन्ह वाले किसी मंत्र का ग्रहण किया जाएगा। यस्य द्रव्यस्य नामान्वितम् यच्छन्दो अस्ति तद एव देवताम् इति बोध्यम्। यद्द्रव्यस्य नामान्वितम्, जिस द्रव्य के नाम से अन्वित, यच्छन्दो अस्ति, जो छंद है, जो ऋचा है, छंद का मतलब है यहाँ पर मंत्र ऋचा, तद एव देवतम्, वही उसका देवता है इति बोध्यम्, ऐसे जान लेना चाहिए। सा एषा देवता उपपरीक्षा अतीता, तो इस प्रकार से ये देवता की परीक्षा हो गई है। आगामिनी च अस्ति, और आगे भी ऐसे ही होगा। तो अत्र उच्यते, अब यहाँ कहा जा रहा है, ऋषि ईश्वर सर्वदृक् यत कामो यम कामयमान इमम अर्थम उपदिशेयम इति स यत कामः। ऋषि ईश्वर सर्वदृक्, सब तरफ चक्षु हैं जिसकी, ऐसे ऋषि को भी क्या कह दिया, ईश्वर, ऐश्वर्य वाला। जैसे ईश्वर सब कुछ स्पष्ट देखता है, ऐसे ऋषि भी उस विषय को सब तरफ से ऐसे ही स्पष्ट देखता है। जैसे ईश्वर की सब तरफ चक्षु हैं और वो सारी सृष्टि को स्पष्ट रूप से देखता है, ऐसे ऋषि जिस विषय का वो ऋषि है उसको सब तरफ से देखता है वो। यत काम, जिस कामना से युक्त होकर, यम कामयमान है, और जिसको चाह रहा है, कामना को भी देखता है, जिस विषय की कामना है उस विषय को भी देख रहा है। यत काम यम कामयमान इमम अर्थम उपदिशेयम, और उसको जानते हुए फिर ये सोचता है कि इस अर्थ का मैं उपदेश करूं, जैसा उसने चाहा वैसा ही उसने पाया, और वैसा ही फिर वो दूसरों को उपदेश भी करना चाहता है। इमम अर्थम उपदिशेयम इति स यत कामा, तो उस ऋषि को उस कामना वाला कहा जाएगा, अग्नि कामः वायु कामः ऐसे। यस्याम देवतायाम अर्थपत्यम अर्थस्य स्वामित्वम उपदेष्टुम इच्छन् सन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तदर्थ गुण कीर्तनं प्रयुक्तवान् अस्ति स एव मंत्रः तद्देवतो भवति। यस्याम देवतायाम, जिस देवता का अर्थपत्यम अर्थस्य, जिस देवता का अर्थपत्यम अर्थापत्ति, अर्थपत्यम अर्थस्य स्वामित्वम, जिसका वो स्वामी बन गया है, उस स्वामित्व को उपदेष्टुम इच्छन, उपदेश करने की इच्छा करता हुआ, उपदेष्टुम इच्छन सन, उपदेश की इच्छा करता हुआ, स्तुतिम प्रयुंते, वो उस प्रकार की स्तुति करता है, माने उच्चारण करता है, तदर्थ गुण कीर्तनम, उसके अर्थ का गुण का कीर्तन करता है, माने बखान करता है, उसकी स्तुति करता है, तदर्थ गुण कीर्तनम प्रयुक्तवान अस्ति, वैसे ही उस पदार्थ के गुणों का बखान करने में वो लगा हुआ है, स्तुति करने में लगा हुआ है। स एव मंत्रः तद देवतो भवति, वह मंत्र उस देवता वाला है, माने जिस मंत्र में मानो मैं अग्नि का ही गुणगान कर रहा हूं, तो वो मंत्र कैसा माना जाएगा, अग्नि देवता वाला माना जाएगा। किंच यदेव अर्थ प्रतीतिकरणम दैवतम प्रकाश्यम येन भवति स मंत्रो देवता शब्द वाच्यो अस्ति इति विज्ञायते। यदेव अर्थः प्रतीतिकरणम, जिस अर्थ की हमें प्रतीति करनी है तो वही उसका देवता है। मानो मुझे अग्नि अर्थ की प्रतीति करनी है और मैं उसी की स्तुति कर रही हूं,
और उसी की ही फिर मुझे प्रतीति हो जाती है, तो वो मंत्र क्या हो गया, उस देवता वाला हो गया, अग्नि देवता वाला हो गया। किंच यदेव अर्थ प्रतीति करणम दैवतम प्रकाश्यम ये न भवति स मंत्रो देवता शब्द वाच्यो अस्ति। किंच यदेव अर्थ प्रतीति करणम दैवतम, जिसकी मुझे प्रतीति करनी है, यदेव अर्थ प्रतीति करणम दैवतम प्रकाश्य, उसी अर्थ को प्रकाशित करके माने जान के, ये न भवति स मंत्र, जिससे वो मंत्र मैंने गुणगान किया था उसी अर्थ की मैंने प्रतीति कर ली, स मंत्रो देवता शब्द वाच्यो अस्ति, वह मंत्र उसी देवता शब्द से कहा जाएगा। इति विज्ञायते, ऐसे जाना जाता है। देवता भी देवता भिदः त्रिचो या भी विद्वांसः सर्वा सत्य विद्या स्तुवन्ति प्रकाशयन्ति ऋचः स्तुतौ इति धात्वर्थ योगात्। देवता भिदः ऋचः, देवता भी देवों के द्वारा माने उस शक्ति के द्वारा, या भी विद्वांसः जिस विद्वान के द्वारा, या भी विद्वांसः सर्वा सत्य विद्या स्तुवन्ति, सभी सत्य विद्या जिसके द्वारा स्तुति की जाती है, प्रकाशयन्ति प्रकाशित की जाती है, ऋच स्तुतौ, ऋच का अर्थ क्या है, स्तुति, इति धात्वर्थ योगात्, ऐसे धात्वर्थ का योग होने से, ता श्रुतयः त्रिविधाः त्रिप्रकार का संति, तो ये जो श्रुतियां हैं, ये जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं, परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता आध्यात्मिक्यश्च। कुछ ऋचाएं परोक्ष कृत हैं माने परोक्ष अर्थ को देने वाली हैं, और प्रत्यक्ष कृता प्रत्यक्ष सुख को देने वाली हैं, और आध्यात्मिक्यश्च माने प्रत्येक ऋचा, ताश्रुतय प्रत्येक ऋचा, कुछ ऋचा नहीं, ताश्रुतय त्रिविध माने त्रिप्रकार का तीन प्रकार की हैं। तो हर ऋचा के, हर मंत्र के तीन तीन अर्थ होते हैं, लेकिन जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने इसको नहीं पाया, उन्होंने जो वेद की निंदा की मैक्स मुलर आदि ने, तो उन्होंने केवल एक ही अर्थ को, भौतिक अर्थ को ही केवल व्याकरण की प्रक्रिया से उसका अर्थ किया, और उन्होंने फिर उसी बेस के ऊपर उसकी निंदा की, क्योंकि उन्होंने उसका आध्यात्मिक और परोक्ष अर्थ वो नहीं जान पाए, क्योंकि वो वैयाकरण भी थे नहीं और ऋषि नहीं थे। वैयाकरण वेद के मंत्र के अर्थ को नहीं जान सकता है, वैयाकरण शब्द ज्ञान को तो जान सकता है, लेकिन वेद के अर्थ को नहीं जान सकता। वैयाकरण तो थे वो भी बहुत बड़े, लेकिन ऋषि नहीं थे, तो बिना ऋषि हुए वेद को नहीं समझा जा सकता है। तो ये सभी ऋचाएं क्या हैं, तीन प्रकार की हैं, त्रिविधा त्रि प्रकार का संति, परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृता आध्यात्मिक्यश्च और आध्यात्मिक। यासाम देवतानाम ऋचाम परोक्ष कृत अर्थो अस्ति ता परोक्ष कृता, और यासाम प्रत्यक्षम अर्थो दृश्यते ता प्रत्यक्ष कृता ऋचो देवता, आध्यात्मिक्यश्च अध्यात्मम जीवात्मानम तद अंतर्यामिण परमेश्वरम च प्रतिपादितम अर्हा या ऋच मंत्रः ता आध्यात्मिक्यश्च एता एव कर्मकांडे देवता शब्दार्था संति इति विज्ञेयम्। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, अभी समय हो गया, इसको यहीं छोड़ते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।